करते हैं जी आप बैल स्लीव की कटिंग, यदि मैं तुम्हें स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी। बहुत ही ईजी तरीके स्लीव के नाल बैल अटैच कर सकते हो जी। ठीक है जी। हाँ जी, एक छोटी बच्ची की है, यदि आप लेंथ रखनी है टोटल 15 इंच, 5 इंच की आप नीचे बैल लगावे, इसलिए आप 12 इंच तक कटिंग करा। आप 11 इंच तैयार रखनी है, उपरों जी उपरों बांह रखनी है, आप 11 इंच तैयार रखनी है। और 1 इंच सिलाई वास्ते छड़ा जी, अद्धा इंच उपर आएगा, अद्धा इंच नीचे आएगा जी। 12 इंच का मार्क कितों कर लिया, 12 इंच का ही मार्क कितों कर लिया। ये स्लीव अपनी 15 इंच तैयार होएगी जी। ठीक है जी। इतों आप निशान सीधा कर लेना। इस तो बाद आप इतने 4 इंच का निशान लगाना है जी। इतने 4 इंच का निशान लगा के उस तो बाद इतने आप लगाना 3 इंच का निशान। ठीक है जी। फिर आप आ निशान में आ निशान के नाम मिला देना जी। आ निशान ये ना मिलाने तो बाद फिर आप अद्ध करना। अब देखो आप अद्ध करा हम, ये अपना हो गया 8 इंच, 8 इंच इतने आप अद्ध हो गया 4 इंच। ठीक है जी। 4 इंच का निशान लाता, उस तो बाद अद्धा इंच नीचे, अद्धा इंच उपर आप निशानी लगावे। ठीक है जी। फिर आप इतों इतों तक मिलावे, गलाई दे देंगे इस तरह, इस तरीके नीचे तो निशानी लावे। पूरी आप इतने गलाई दे देनी। ठीक है जी। कई बच्चे जो स्टिच कटिंग करते हैं वहां उदो ना इतों नुक्कर बना देंगे, मान लो इतों इंज करके ये मेल के मुड़के इस तरीके सीधा कर देंगे। वो तरीका बिल्कुल गलत है जी। वो अपनी जी स्लीव आ स्टिच होने लगा भी प्रॉब्लम करती है, तो जो आप स्टिच कर लें उस तो बाद भी वो नुक्कर जी है ना सोहनी नहीं लगती, स्टिच किए हुए कमीज से भी चंगी नहीं लगती। ठीक है जी। फिनिश नहीं आती। इतों लड़की की जी मोहरी है जी वो 5.5 आप रखनी है, अद्धा इंच सिलाई वास्ते मार्जिन रख लाँगे, ये मिला लाँगे। जी अपनी मार्किंग हो गई है, अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आप कटिंग कर लेंगे। जब आप कटिंग करनी उदों इतने गलाई रखनी, इतने बिल्कुल आपको कोना नहीं बनाना। ठीक है जी। हम आप उपर वाले 2 पल्ले चुकने हैं, देखो आ नीचे वाले पल्ले है, आ उपर वाले 2 पल्ले आ, इन्हें चुक के आप अगली काट पावे, आ वाली काट। ठीक है जी। आ वाली काट आप 4 पल्लों नहीं पानी, आ वाली काट आप अगले पल्ले पानी है। ठीक है जी। ये अपनी होगी स्लीव की कटिंग। इस तरीके ना फोल्ड करके फिर एक फोल्ड आप आवड़ा करेंगे, ये अपना 4 फोल्ड कपड़ा हो गया। ठीक है जी। 4 फोल्ड करने तो बाद आप एक बार फिर नुक्कर मिला के फोल्ड कर लाँगे जी। हाँ जी, समझ लगी इन्नी जी। देखो पहला कपड़े ने अपना डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करके फिर सीधा सीधा फिर आप एक फोल्ड और कर लिया, 4 फोल्ड हो गया। उस तो बाद आवड़ी नुक्कर तो आवड़ा कपड़ा आवड़ी नुक्कर तो चुके इस तरीके ना मिला देना। ठीक है जी। इस तो बाद आप कटिंग करेंगे। देखो अपनी स्लीव लागे रख लेनी है, स्लीव की आप जिनी मोहरी रखी वह चौथा हिस्सा इतने रखना। ठीक है जी। अपनी स्लीव हैगी जी आप इतों रखी है 6.5। ठीक है। आप अकॉर्डिंग रखना है स्लीव की जी फिटिंग है वे हिसाब नहीं, जिन्ना आप कपड़ा रखे वे हिसाब में इन रखना। ठीक है जी। ये अपना 6.5 है। साढ़े छे दफा अर्ध कर लिया, 3.25 आ गया। ठीक है जी। 3 इंच तो 2 पॉइंट उपर इन्ना ही आप इतों रख लेना।
ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਇੰਚ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਬੈਲ ਸਲੀਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 6 ਇੰਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਇੰਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਆ ਤਿਆਰ 5 ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ 6 ਇੰਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਲੀਵ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਲੀਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਫੋਲਡ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਲੀਵ ਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਗ ਪਏਗਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਸਲੀਵ 3 ਸਿਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਵ, ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਸਲੀਵ। ਸਲੀਵ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਬਰ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ। ਸਿਰਫ 3 ਸਿਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੈਲ ਸਲੀਵ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
फ्रिल दे उत्ते नहीं लगानी, बाँह दे उपर लगानी, इन्ना ध्यान रखियो। हाँ जी, दोनों साइडा तो अपना अपना कपड़ा सैट करते हुए सिलाई लगानी है, बिल्कुल सिलाई दे उपर सिलाई लगनी चाहिए है जी। हाँ जी, अपनी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है जी। बस हुण इस तो बाद आपां यही करना है कि इहदी फिटिंग दी सिलाई लगा लेनी है जी। फिटिंग दी सिलाई लगाउण तो बाद आपां इहनूं अपने कमीज नाल अटैच कर लांगे जी। हाँ जी, देखो इहनूं आपां बराबर तह ला के, हाँ जी बराबर तह ला के आपां इहदे उत्ते फिटिंग दी निशानी लगा लांगे। उस तो बाद उपर सिलाई लगा देंगे जी। हाँ जी, सिलाई लगाते समय आपां फ्रिल तो सिर्फ अद्धा इंच रखना जी। हाँ जी, आ वाली अपनी फ्रिल आ, इतों आप सिर्फ अद्धा इंच रखांगे और फिटिंग की निशानी आप बांह तो लगावांगे, जिथों अपनी बांह स्टार्ट होंदी है। इतों जिनी भी तुहाडी फिटिंग आ, 5, 6, 5.5 जिनी भी, इतों आप निशानी लगावांगे। ठीक है जी। हाँ जी, बस हुण आपां फिटिंग दी सिलाई लगा के इहनूं आपां कमीज नाल अटैच कर लांगे जी। जी बहुत सौखा तरीका है जी बैल स्लीव बनाउण दा। जदों आपां पूरी बैल स्टिच करके, बांह स्टिच करके बाद विच आपां इहनां नूं जोड़दे आ ना, उह तरीका बहुत ही टफ आ, बहुत ही औखा लगदा जी। आह तरीका बिल्कुल सौखा है। इस तरीके नाल तुसीं बैल स्लीव बनाओ, 5 मिनट विच बन जाएगी तुहाडी। बैल अटैच करन तो बाद जे तुहानूं इत्थे थोड़ी खिच महसूस हुंदी होवे ते फिर तुसीं छोटा जिहा कट लगा सकदे हो। हाँ जी, हुण तुहानूं मैं इहनूं सिद्धा करके विखाउनी हां जी। देखो अपनी स्लीव बन के तैयार हो गई है जी। धन्यवाद।